नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के नमक पारे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक बर्तन लिया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से दूसरा किसी और साइज़ का भी ले सकते हैं। और ये मैंने बारीक वाली सूजी ली हुई है। मोटी लेंगे अगर आप सूजी तो उसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत बारीक है इसलिए मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है। तो मैंने ये 2 कटोरी सूजी लिया हुआ है। अब इसमें मिलाएंगे हम स्वाद अनुसार नमक और फिर उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें भुना जीना पाउडर। तो उसको मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है। अब इसमें अब हम डालेंगे गरम घी पिघलाकर 5 से 7 चम्मच, ताकि उसमें अच्छे से मुलायम आ जाए। घी डालने से ज़्यादा अच्छा मुलायम आता है। अगर आपका मन हो तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से अधिक अच्छा स्वाद और टेस्ट आता है। तो इस तरह से अब हम सारे सूजी के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने ये 3 चम्मच और घी डाला हुआ है। और इन सबको अच्छे से हमको अब मिलाना है। ये सूजी के नमक पारे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। मैदे और आटे से भी बहुत अच्छे रहते, कुरकुरे रहते एकदम। अब इस तरह से आप बाइंड करिएगा तो एक मुट्ठी इस तरह से बंध जाएगा, बॉल शेप। तो ये हमारा इस तरह का ये मिक्सचर अभी तैयार है। अब हम इसको गर्म पानी से, गुनगुना गर्म पानी लेकर पूरा इसमें आटे को मिक्स करेंगे। अब हमको इसको अच्छे से मिलाते रहना है और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, क्योंकि मिक्सचर गीला ना हो जाए। लेकिन हमको इसका सॉफ्ट मतलब आटा गूंथना है, क्योंकि सूजी थोड़ी देर में फूल भी जाती है तो फिर आटा इसका थोड़ा टाइट हो जाएगा। इसलिए हमको इसका आटा थोड़ा ढीला ही लगाना है। और इस तरह से पूरा थोड़ा थोड़ा करके आप आटे को मिक्स करिए और ये इस तरह से मिक्स करके गूंथ लीजिए अच्छे से आटे को। इसका आप निमकी ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है, आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है, और अपनी परिवार को बना के खिलाइएगा। अभी हमको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। उसके बाद फिर मैं ये इस तरह से ये आटा फिर से दोबारा गूंथ रही हूँ। फिर इसकी अच्छे से लोइयाँ बना लीजिए और फिर हमको इसको बेलना है। ना ही बहुत पतला बेलना है, ना ही बहुत मोटा बेलना है। और इस तरह से बड़ा रोल बना लीजिए। और आपका मन चाहे तो आप किसी कटर से भी काट के शेप दे सकती हैं, या फिर डायरेक्ट जैसे निमकी के शेप होते वो काट करके हमको वैसे ही काट के बनाना है। तो इस तरह से मैं ये लंबा लंबा राउंड शेप में रोल कर रही हूँ। अब ये हमारा, मैं ये चाकू से इस तरह से कट कर रही हूँ लंबे लंबे शेप में। हाँ, तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसको हम महीने भर तक के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमको काटना है और निकाल लीजिए इसको आटे को पूरे, जितने भी पीसेस हैं अच्छे से रख लीजिए। और जितना हमारा आटा है तो मैंने पूरा इस तरह से करके गूंथ कर बेल कर इस तरह से पीसेस रख लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई करेंगे मीडियम आंच पर। उसको पहले जब डालेंगे तो तेज आंच रहेगा, तो तेज आंच पर हमको सब डालना है। बहुत भर के मत कढ़ाई में डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा। और उसके बाद इसको थोड़ी देर, तुरंत मत चलाइएगा, थोड़ी देर बाद ही चलाइएगा जब थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद उसकी आंच को स्लो कर दीजिएगा और फिर धीरे धीरे जब पकेगा तो वो उसमें सूंधापन अच्छा आएगा और वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। अब देखिए हमारी जो है ये अभी तो सफ़ेद ही दिख रहा है, तो अभी उसको और पकना, गोल्डन हमको कलर, लाइट गोल्डन कलर तक की इसको फ्राई करना है। इस तरह से ये फ्राई हो जाएगा। अभी सभी तरह के तीज त्यौहार आ रहे हैं तो आप इसमें निमकी बना के रख सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये देखिए गोल्डन कलर की हो गई है और इसको फिर अब हम इस तरह से ये निकाल लेंगे। सभी को अच्छे से निकाल लेंगे और ये मैंने दूसरा खान भी डाला है इसमें। देखिए अभी तो ये लाइट ब्राउन ही लग रहा है, फिर इस तरह से धीरे धीरे करके लगा लें। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है और ज़्यादा झंझट भी नहीं है, तो आप इसको अच्छे से जल्दी बना सकते हैं।
और ये मैदे और आटे के अलावा भी एक अलग तरह की रेसिपी हो जाती है। अब हम लेंगे मसाला, तैयार करते हैं एक अलग से। तो मैंने 1.5 चम्मच चाट मसाला लिया है और 1.5 चम्मच मैंने पुदीना पाउडर लिया है। अब जो हमारी नीम की तैयार हो चुकी है वो गर्म में ही हमको इस मसाले को उसमें मिला देना है ताकि वो अच्छे से उस पर लग जाए, उस पर कोट हो जाए। इस तरह से आप मिला लीजिए और जब अच्छे से मिल जाए तो जब वो पूरा ठंडा हो जाए तो आप किसी साफ बर्तन में या जार में इसको स्टोर कर सकते हैं। जितना मैंने आटा लिया था उसमें ये मेरी इतनी नमक पारे मेरे ये तैयार हुए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी रहता है। इस तरह से हमारा तैयार हो गया नमक पारे, देखिए इस तरह से। अब हम इसको स्टोर करके लॉन्ग समय तक रख सकते हैं और चाय के साथ, नाश्ते के साथ या फिर कहीं जर्नी में लेके जा सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी आवाज़ आती है इसमें से, कुरकुरी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।